देखो, मैं कोई 15 दिन पहला भी दिल्ली आया सी, तो उन लोगों ने उदों भी ब्रीफिंग की सी। उस वक्त की सी कि आढ़तिया जेडे मंडिया च होंदे आ और जेडे राइस मिलर सी, वो सारे स्ट्राइक ते चले गए, मजदूर भी स्ट्राइक ते चले गए सी और मंडियां बिल्कुल बंद हो गईयां सी। इशू सी जेड़ा FRK है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल दा इशू सी, वो लेके आके मैं फूड सेक्रेटरी और CMD FCI दोनों नाल मीटिंग की और मैं उन्होंने लिखती सुझाव भी दिता कि भाई इनू FRK वाले नू रिव्यू करो, थले क्राइसिस हो गया, तैयारी है नहीं है, सब लोग स्ट्राइक ते चले गया। वो वैसे सेक्रेटरी फूड और CMD ने उदे च की किया, मेरे नाल एग्री किया कि असी एक कमेटी बना देने हैं रिव्यू करने लई और उदी रिपोर्ट ले लेने हैं, फिर उदे ते फैसला करांगे। और अच्छी गल है कि पिछले हफ्ते वो कमेटी दी मीटिंग एक हो गई और उस कमेटी च मैनू जेड़ा पता लगया कि फैसला होया कि FCI यदि चेकिंग नहीं करूगी, उदे च राइस शेलर मिल सैटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है, सानू वो सजा ना दियो, क्योंकि उन्होंने एक चक्के राइस से जेड़ा कह जेड़ा रिजेक्ट करते ही उन्होंने 60 लाख रुपया पैंदा सी, ते वो दोबारा आ गए, स्मूथ ऑपरेशन शुरू हो गए। मैं वापस जाके फिर दोबारा मंडियां च गया, मैं 30-40 मंडियां जो हूँ पिछले 10-12 दिन च गया। उत्थे हूँ एक नवा इशू बहुत वड्डा आया होया, वो मॉइस्चर का हैगा, जिहड़ी नमी आ वो भारत सरकार FCI वालों जिहड़ी अनुमति आ वो 17% आ, 17%। पर हुण जिहड़ा पैडी आ रही है, झोना आ रहा, वो 20% तो उत्ते दा आ रहा। जिहड़े आढ़तियां ने और राइस मिलर ने, वो किसान नूं कह रहे हैं कि तेरा असी कट लगावांगे। किसान उत्थे रौला पा रहा मंडियां च कि भाई ये की पहला तुसी साढ़े तो 1 जून नूं असी बीजदे सी, तुसी सानू 3 हफ्ते लेट कराया, विच फ्लड भी आ गए, साडा की कसूर है इहदे च, तुसी सानू क्यों कट लगा रहे हो, तुसी आप लेट कराया, दोवें सरकारां ने, केंद्र ने और पंजाब ने, हुण हल भी तुसी करो, असी कोई झोने च पानी तां नहीं पाउंदे हैगे, मौसम बदल गया, अक्तूबर दे लास्ट वीक च आ के मौसम बदल जांदा, ते वो इस करके मंडियां च हुण दूसरा रौला शुरू हो गया। मैं हुण उन्हूं लैके आया सी, कल CMD FCI साहब नाल बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मैं उन्हां नूं सारी गल दसी कि भाई ये तो तुसी लोकां ने लेट कीता, इनू ऐ करो कि तुसी कर लो कि 20 अक्तूबर तक जेड़ा आ जाए वह 17%, वो जेड़ा उदों बाद आ जाए वह 19 या 20% कर दो, क्योंकि मौसम ही बदल जाता हैगा, उन्होंने मंडी सुकाउण की भी कोशिश करो, 2-3 घंटे धुप आ, देखो हूँ कोई धुप हैगी है इस वेले, कि इस धुप च किहड़ा पैड़ी जां झोना सुकना हैगा। एक तो वह गल सी, वो उन्होंने कहा असीं इहनूं जी देख लैंदे आ, रिव्यू कर लैंदे आ। मैं कहा अपनी टीम नूं भेजो जिहड़ी मैं गल कर रहा, क्रॉस चैक करो और फिर उस हिसाब नाल फैसला लै लो। दूसरा मैं ये कहा हैगा, और किसान नूं ये तुसीं कट ना लाउण देना पवे, अपना झोना च उहनूं कट ना देना पवे। दूसरी गल मैं ये कही है, इन्होंने मजदूर भी शुरू च ही स्ट्राइक पर चले गए थे, मंडी मजदूर, एक केंद्र सरकार ने मतलब FCI ने और पंजाब सरकार ने उन्होंने फैसला किया कि इस साल तुहानू 25% तुहाडी मजदूरी वधा के देंगे, उन्होंने स्ट्राइक विदड्रॉ कर ली। उन्होंने हुण सीजन खत्म होने वाला है, किसी ने एक पैसा वधा के नहीं दिता, वो फिर दुखी ने, कहिंदे असीं फिर स्ट्राइक पर जावांगे। तो मैं उन्हां दा मुद्दा लेके आया सी कि भाई ये की कर रहे हो, गरीब आदमी आ बेचारा, सारा दिन जां तां बोरियां भरदा रहिंदा जां झोना पहलां फलाउंदा फिर बोरियां च पाउंदा फिर ट्रकां च लादा, उहदे बेचारे दी रोजी रोटी ही होई आ, वो तुसीं दिओ, केंद्र सरकार तां अपना 20% दवे, फिर पंजाब सरकार नाल लड़ांगे। तीसरा मुद्दा ये सी कि इन्हां ने केंद्र सरकार ने दो तीन इहो जिहे होर फैसले लै ले, और मैनूं कई वारी लगदा केंद्र सरकार च ओ क्योंकि पंजाब दे किसानां ने एक एजुटेशन कीती सी, ओ पंजाब दे आढ़तियां ने सारे ने मिलके वो किसान वाले जिहड़े काले कानून सी उहदे कीते ही, ओ इन्हां दे मन च जिहड़ी किड़ हैगी आ ओ निकलदी नहीं हैगी। देखो FRK लाया, फिर की कीता कि आढ़तियां दा 2.5% हुंदा सी, हुंदा 54-55 रुपये बणदे, उन्होंने 46 रुपये करते, 2.5% तो घट करता। फिर ब्रेकेज अलाउड हुंदी सी, मतलब टुटिया चावल 1% लेंदे सी,
0.3% करता, मजदूरों का मामला फसा के रखे, एफ आर के करता। मैनू तो लगता केंद्र सरकार च सोच हैगी आ कि पंजाब वालों नू टाइट करो, किसानों नू भी, आड़तियों नू भी, राइस सैलर नू। तो मैनू लगता इन्हां नू ये रवैया बदलना चाहिए। अज भी 40% खाद्यान कंट्री का पंजाब चो आ, उतों के लोगों इस तरह के रवैये नहीं निपटना चाहिए, उन्हों की मदद करनी चाहिए। सर देखो मैं बार बार इस गल से कहना हूं, पराली वाले मुद्दे से आपू रियल इशूज समझने पैणगे। ये देखो हूँ केजरीवाल साहब पहला तो ज इन्हों की पंजाब सरकार नहीं सी होंगी तो ब्लेम करते होंगे ही, साड़ी सरकार बन जूगी असी एक दिन से हल कर देंगे। 8 साल तो इतने हो गए, हूँ 2.5 साल उत्थे हो गए, हूँ दसो अज आ बहर नेरा होया पाया। केजरीवाल साहब पहले तो दसन तुम कन्वीनर भी हो, दोवें जगह सरकार के मालिक हो, भाई दसो पहले तो तुम सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि भाषण करना सौखा, जेड़े ये जड़ा पोल्यूशन हैगा जेड़ा झोने की पराली साड़ नाल हुंदा, वो किसान दी किसान नाल जाके गल करो। वो छोटा किसान कहिंदा मैं होर करा की, मशीना 4-5-6 हज़ार रुपया पर एकड़ का खर्चा वा, मेरे चो ताकत ही नहीं है कि मैं उन्ना खर्चा करा। फिर वो लुक छिप के रात नू दिने लुक छिप के सैटेलाइट ना फड़ रहे हो, फिर अग ला दिंदा है। हुण सवाल यह है, मैं बार बार कई सालों का कह रहा, एक केंद्र सरकार नू इहदे च कदम उठाने चाहिए आ। जां तां मशीना फ्री रखो, जां ये करो कि 2,000-3,000 कुछ तुसी कहो कि माड़ा मोटा किसान पावे कि उहदा जिहड़ा 3-4 हज़ार रुपया पर एकड़ खर्चा हैगा जी, वह असीं सबसिडी दिंदे आ, कम खत्म करो। जां इह केजरीवाल साहब हुण सबसिडी दे देण, दो सरकारां दे मालिक ने, क्योंकि वह गरीब किसान तां कित्थों करूगा, और उहनूं कट लाई जांदे आ चारे पासे। तो इस करके इहदा जदों तक आपां मूल टैक्नीकल और मकैनीकल हल नहीं करांगे, इहदा हल होणा